के पिता को जेल की जानकारी मिल रही है। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। सीएम बघेल के पिता दिल्ली से गिरफ्तार हुए थे नंद कुमार, और इसके बाद अब कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सीएम बघेल के पिता को जेल भेजा है। न्यायिक हिरासत के तहत उन्हें जेल भेजा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 इंडिया के व्यूअर्स के लिए 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए उनके पिता नंद कुमार, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। चीफ मिनिस्टर बघेल के पिता को जेल हुई है, उन्हें जेल में रहना होगा। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेजा है और इस पूरे मामले में 15 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें रखा गया है। दिल्ली से उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। चीफ मिनिस्टर बघेल के पिता को जेल की खबर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। आदित्य राज कौल इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आदित्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य क्या खबर और डिटेल में? जी देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है, जनक कुमार जी की कोर्ट थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पर जो है कि नंद कुमार बघेल जी को पेश किया गया था और उन पर धारा 151 ए के तहत मामला दर्ज था। धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और समाज में दंगा फैलाने की धारा है, इस धारा के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई हुई और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उन्होंने कहा कि आप जमानत लेना चाहेंगे तो भूपेश बघेल की जो पिता है नंद कुमार बघेल, उन्होंने साफ मना कर कि मैं किसी तरीके से कोई जमानत नहीं लूंगा, और जमानत आवेदन ही उन्होंने नहीं लगाया जब जमानत के लिए पूछा गया, जिसके बाद उन्हें 15 दिनों की न्यायिक रिमांड में भेजा गया। और कोर्ट के अंदर ही उन्होंने कहा जैसे कि ये आखिरी अंतिम लड़ाई है और मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगा। यानी उन्होंने जो बयान दिया, अपने बयान को लेकर कहीं भी जो है उनमें गिल्ट की भावना नहीं थी उनका, यानी उनके इस जो उन्होंने जज के सामने कहा उसे साफ समझा जा सकता है कि उन्होंने जो बयान दिया था ब्राह्मण समाज को लेकर विवादास्पद, उस पर उन्हें कोई भी पछतावा नहीं था और अपने स्टैंड पर वो अब भी कायम है। जी आप बता रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई, अब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, लेकिन अभी भी उन्हें अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है। ये पूरा वाकया किस तरह से कोर्ट के संज्ञान में आया? जी देखिए, ये जो है कि 30 अगस्त को यूपी के लखनऊ में नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मण समाज को लेकर विवादास्पद बयान दिया था कि ब्राह्मण विदेशी है, गांव-गांव में जाकर मैं उनका बहिष्कार करूंगा और किसी भी हिंदू मंदिर में ब्राह्मणों को पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वो विदेशी है। वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी यूपी के सारे मंदिरों से ब्राह्मणों को निकालने के लिए विनंती करने वाले थे, एक बड़ा आंदोलन करने वाले थे। ये वीडियो जो है पिछले 3 दिनों पहले सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहा था। 30 अगस्त का पिछले महीने का ये बयान था, लखनऊ में दिया गया था और 3 दिन पहले अचानक ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। विपक्षी जो दल थे, विपक्षी दलों ने इसको मुद्दा बनाया जी, और उसके बाद भूपेश बघेल के संज्ञान में जैसे ही ये मामला आया तो उन्होंने साफ किया कि कानून के ऊपर छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है। फिर वो सीएम के पिता ही क्यों ना, और खुद उन्होंने प्रशासन को अपने पिताजी के ऊपर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता को 15 दिन